आजि पुरी श्रीमंदिर रे बांकचुडा बेसरे भक्तंकु दर्शन देउछन्ति महाप्रभु। कार्तिक मास शुक्ल द्वादशी तिथि रे रत्न सिंहासन रे ठाकुरंक बांकचुडा बेस अनुष्ठित होइथाय। एही दिन अवकाश नीति शेष हेबा परे पाळिया मेकअप खुंटिया चांगड़ा मेकअप एवं केतेजन पुष्पांचल शिविरग्रहंकु बांकचुडा बेसरे सज्जित करिथांति। ए बेसरे विशेषत जे जगन्नाथ बलभद्रंक श्रीमस्तकरे चंद्रिका चूल सहित दक्षिण दिगकु आड़ खोस पड़े एवं एही खोसार अग्रगंठी एक सुवर्ण किया खोजा जाए। एक छोट स्वर्ण किरीट ठाकुर कपाल में शोभा पाई। लक्ष्मीनारायण बेशरे लगुवा अधिकांश अलंकार एवृत होता है। तेज महाप्रभु बेशरे दर्शन पर भक्तों लंबा लाइन लगता बेले श्रृंखलित और सुरक्षित दर्शन उपर ध्यान दे प्रशासन बाबद्रे अधिक सूचना पाई एवं पुरीर कौन रही चित्र से संपर्क में जानापी आम सहित जोड़ी होती पुरीर आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष। आलोक जेहेतु वर्तमान पंचुक व्रत चली प्रथम दिन में जेहेतु पूरा श्रीमंदिर बंद थी जो भगवान राधाकृष्ण बेश कल देखिपारी ना भक्त मैंने खासको तेज आज बांकचूड़ा बेश देखापी केमती गहली देखुंत परेश कौन रही जगन्नाथ मय रही एवं जदि आप गहली कथा देखिए जेहेतु आपड़ जानते गत काली कार्तिक शुक्ल एकादशी से महाप्रभु लक्ष्मी नारायण बेश अनुष्ठित होता से गहली को दृष्टि रखी गत काली श्रीमंदिर बंद रही है। जेहेतु आज पंचुकर द्वितीय दिन अर्थात बांकचूड़ा बेश में महाप्रभु सज्जित होते लक्षाधिक भक्त को दर्शन देते से ही परिप्रेक्षी आप देखते गहली कथा जब कह पूरा पूरी कहींपर मरचिकट छक आहरी अधिक गहली लंबी आप दृश्य ही देखुं केते संख्यार भक्त श्रद्धालु बर्तमान एकाठी होती हबिशैली व्रतधारी समस्त एकाठी महाप्रभु टी सानिध्य ने जेहेतु गत काली श्रीमंदिर चिन्मय बंद रही है। आज सका सका महाप्रभु आम कहीपर द्वार फिटा पर मंगल आरती मैलम चलुच्चे आज कि समय पर महाप्रभु अवकाश नीति आरंभ हम और भक्त श्रद्धा मैंने दर्शन करेंगे आप गहली को देख ही स्पष्ट बुझीपे कि भाव में भक्त मन में आवेग रही जेहेतु गत काली श्रीमंदिर बंद थी। आज महाप्रभु से दुर्लभ बांकचूड़ा बेश देखापी आज लक्षाधिक श्रीक्षेत्र में भक्त श्रद्धालु हबिशैली व्रतधारी समस्त लंबा लाइन लगी निश्चित भाव में आम कहींपर अवकाश नीति पर महाप्रभु दुर्लभ बांकचूड़ा बेश नीति अनुष्ठित हो निश्चित भाव में पुष्पाड़क सेवायत मैंने महाप्रभु दुर्लभ बांकचूड़ा बेश महाप्रभु को सुसज्जित करेंगे। तो निश्चित भाव में आपड़ गहली को परिलक्षित कर गहली किभली भाव में लग रही गहली को नियंत्रण करने व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन कर भक्त मान श्रृंखलित दर्शन और सुरक्षित भाव में दर्शन करने जो व्यवस्था कराई निश्चित भाव में पुलिस प्रशासन पूरा पूरी मात्रा तैयार अच्छी पूरा व्यापक प्रस्तुत कर पाखापाखि चिन्मय आम कहीपर 20 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कर सुरक्षा व्यवस्था को चिन्मय तीन भाग में विभक्त कराई आप श्रीमंदिर भितर गोटे सुरक्षा व्यवस्था कर पतित पावन पाखे आउ गोटे व्यवस्था कराई पूरी बड़दाण्ड जोटि की भिड़ नियंत्रण करने आउ गोटे पुलिस फोर्स मुतयन कराई पाखापाखि 20 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कराई। तो निश्चित भाव में आम कहीपर चिन्मय समय जिते बढ़िवार लगी भक्त श्रद्धालु लंबा लाइन से बढ़िवार लगी आम सीधा साल कि भक्त सहित आम आलोचना करवा कौन कहे के समय ठिया है काली मंदिर बंद थी आज पंचुकर द्वितीय दिन महाप्रभु बांकचूड़ा बेश के अपेक्षा कर महाप्रभु रत्न सिंहासन दर्शन करेंगे दर्शन करने ठिया है कौन करूँ काली बंद थी मंदिर काली बंद थी आम तो आसु आसु आम तीन वर्ष हो गला कालिया को दर्शन कर पार्नु लॉकडाउन आज पुणि पंचुकर द्वितीय दिन हाँ आज आसीचु आज तो ठिया हो देह खराब अंटा पेन हो निश्चित भाव जगह को देखा तो अनेक लोक ठिया होती कि समय पर आपेक्षा सर रत्न सिंहासन में महाप्रभु बांकचूड़ा बेश सज्जित दर्शन करेंगे हाँ कालिया को दी वर्ष होगा देखी पार्न ए लॉकडाउन जो आज आसलु जी भिड़ लगी बड़दाड़े आज कौन पंचुकर आज द्वितीय निश्चित चिन्मय आप सीधा साल दृश्य पूरा देखा जेहेतु बर्तमान आज किसी समय पर दर्शन व्यवस्था आरंभ हम से भक्त लंबा लाइन जो भक्त भावाबेग रही निश्चित भाव में आम कहीपर कौटना कौटी भक्त भावाबेग आगे करोना एवं कहीपर गोटे प्रकार लंबा लाइन चिन्मय फिका पड़ी। तो निश्चित भाव में आम कहीपर कौटना कौटि महाप्रभु आज बांकचूड़ा बेशर सुसज्जित हे और बड़ कथा हूँ बांकचूड़ा बेशर महाप्रभु श्रीहस्तर श्रीहस्त कहीपर हल मुसल बड़ भाई बलभद्र आज परिधान करेंगे निश्चित भाव में आम कहीपर आज चंद्रिका चूल आश्चर्य लगुच्छे जो भाव में कोविड गाइडलाइन रही मंदिर भितर को जो मैंने
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି ଯେ ଖାସ କରି ଆପଣ ଦୁଇଟି ଟିକାର ଯେ ନେଇସାରିଥିବେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ ଇଏ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଟୀକା ନେଇଥିବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଚେତ ଆମେ କହିପାରିବା 96 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ 4 ଦିନ ଭିତରର RT-PCR ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ସେହି ଦୁଇଟି ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନାଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବାର ଏଠି କରୋନା ବଢ଼ିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଚିନ୍ମୟ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆଗରେ ଏ କରୋନାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଚିନ୍ମୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସଜ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେବ କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଚିନ୍ମୟୀ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କ୍ୟାମେରା ଯେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିବେ ସେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହୁଅନ୍ତୁ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବ୍ରତଧାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶରେ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଏହି ଅନନ୍ୟ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଏ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।